नोटिफिकेशन होता है नियोजन के नाम पर, शिक्षक बहाली के नाम पर। अमर बावरी जी तत्कालीन मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होती है, उन्होंने अनुशंसा के पश्चात शेड्यूल फाइव के तहत पैरा फाइव के अंदर माननीय राज्यपाल महोदया से आर्टिकल 309 के अंदर एक नियोजन नीति की घोषणा की। फिफ्थ शेड्यूल के जो 13 जिला है वहां पर स्थानीयता के नाम पर, और जो 11 जिले उनको नॉन शेड्यूल पर आमजनों के नाम पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है। उस वक्त हम लोग इस बात को उठाते हैं कि जो स्थानीयता नीति 1985 का कट ऑफ डेट और आपकी जो नियोजन नीति है, ये दोनों ही अतार्किक और असंवैधानिक है। आप लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि नियोजन के नाम पर सरकार ढिंढोरा पीटे और यहां के लोग ठगे जाए। हम लोगों की जो आशंकाएं 2016 में थी, उसका प्रतिफलन कर हम लोगों ने झारखंड के हाईकोर्ट में देखने का काम किया। संपूर्ण त्रुटिपूर्ण एक नोटिफिकेशन के कारण हजारों झारखंड के बेटी बेटियां आज अपने नौकरी से हाथ धोने को विवश हो गए। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की है। सत्ता के मदहोशी में हाथी उड़ाने वाले लोग लोगों से किस प्रकार खिलवाड़ किया, ये एक दो जगह नहीं हुआ। आज जो हमारे भाई बहन अस्थाई पुलिसकर्मी है, उन्हीं के सेवा शर्त के कारण आज आंदोलन के लिए विवश हुए। ऐसा पाप रघुवर सरकार का, ऐसा घृणित पाप जिसको अभी सरकार को धोना पड़ रहा है, इस राज को मांझना पड़ रहा है। ये कौन सा तरीका है जब आर्टिकल 309 स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि वो कानून नहीं बना सकता। सरकार को उसमें प्रावधान था, तत्कालीन सरकार को, भारत सरकार बनाम राकेश कुमार का जो मामला आया था उस प्रकाश में, कि अब विशेष परिस्थिति में आप जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यदि कोई संबंध कानून एग्जिस्ट नहीं करता है, तो टीएसी के एडवाइस पर राज्यपाल तात्कालिक एक कानून बना सकता है, लेकिन आपने उसको नहीं फॉलो किया। आपने केवल आर्टिकल 5 को छेद को उसका अनुसरण करते हुए पैरा 5 को कोट किया, जो कोर्ट में नहीं टिका।
और यही हर्ष रघुनाथ था, जानबूझकर लोगों को ठगने का काम रघुवर सरकार ने विगत 5 वर्षों तक किया। दावा किया गया कि 75,000 नौकरी हम देंगे, रोजगार मेला लगा, सरकारी पैसे से एजेंसियों को बुलाया गया, कहा गया 75,000 बेरोजगारों को नौकरी दिए, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तब भी हम लोगों ने कहा था कि ये फ्रॉड है। पूरे 5 साल फ्रॉड एक्टिविटी में लिप्त रही सरकार, आज उसका संपूर्ण पाप पूरे राज्य को झेलना पड़ रहा। मतलब करे कोई और भरे कोई, खजाना खाली किया वो अलग बात है, लेकिन आज तो जवाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि नौजवानों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ, 8,000 लोग कैसे रास्ते पर आ गए, उनके परिवार कैसे रास्ते पे आ गए। हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि आप झारखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, 13 जिला और 11 जिला के नाम पर आप ये काम मत कीजिए, झारखंडियों को एक साथ एक सूत्र होकर